जय हिंद दोस्तों, मैं वीर शाह, आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आज के परेड की कुछ मुख्य बातें। नंबर एक, इस साल 26 जनवरी का आयोजन 24 जनवरी से नहीं बल्कि 23 जनवरी से शुरू हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि 23 जनवरी को अखंड भारत के पहले पीएम नेताजी का जन्मदिन पड़ता है। इस साल उनका 125वीं जयंती है। उनके बलिदान उन सम्मान के याद में ही अब देश में दिल्ली इंडिया गेट में जॉर्ज परचम के मूर्ति के जगह नेताजी की मूर्ति लगाई जा रही है। जब तक मूर्ति बनके तैयार हो रही है तब तक नेताजी की होलोग्राम स्टैचू वहां खड़ी दिखेगी। होलोग्राम स्टैचू लाइट और लेजर की मदद से बनाई जाती है। इस मौके पर पीएम मोदी ने 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किए और अब से 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के नाम से भी जाना जाएगा। 26 जनवरी 2022 की दूसरी सबसे प्रमुख बात रही कि इस साल 75 जेट आज़ादी के अमृत उत्सव में भाग लिए, जिसमें जैगुआर, राफेल, सुकोई, तेजस और PI-8 विमान शामिल थे। इसकी तीसरी सबसे खास बात, इस साल 26 जनवरी के समापन पर गांधी जी की फेवरेट धुन अवॉइड विथ मी नहीं बजाई जाएगी, बल्कि इसके बदले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान धुन बजेगी। अवॉइड विथ मी धुन को स्कॉटिश कवि हेनरी लाइट ने बनाया था, जिसे 1950 से लगातार 26 जनवरी के समापन ब्रीटिंग रिट्रीट में बजाया जाता रहा है। हालांकि इस साल 26 धुन को शामिल किया गया है, जिसमें पहली धुन बिहुल पर फैनफेयर गीत की होगी। इसके अलावा हे कांचा, चन्ना बिलोड़ी, जय जन्मभूमि, नृत्य सरिता, विजय जोश, केसरिया बन्ना, वीर सियाचिन, हाथरोई, विजय घोष, लड़ाकू, स्वदेशी, अमर चैतन्य, गोल्डन एरो, स्वर्ण जयंती, वीर सैनिक, यशस्वी, जय भारतीय, करेला, सिक्किम मोल, हिंद की सेना, कदम कदम बढ़ाया जा और ए मेरे वतन के लोगों जैसे धुन को शामिल किया गया है। आज की परेड की चौथी सबसे खास बात, इस साल आर्मी को नई यूनिफॉर्म दी गई है, जिसे परेड में भी शामिल किया गया है। इस यूनिफॉर्म को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से डिजाइन किया गया है। नई वर्दी में रंगों का जो मिश्रण किया गया है, जिसमें ऑलिव ग्रीन अर्थन सेटर शामिल है। यह रंग विभिन्न इलाकों और सैनिकों की तैनाती के क्षेत्र के साथ साथ चरम मौसम की स्थिति को ध्यान में रखकर चुने गए हैं। नई यूनिफॉर्म में शर्ट को पैंट में टक यानी इन नहीं करना होगा, शर्ट के अंदर एक ही टी शर्ट होगी। इसका पैटर्न एक डिजिटल विघटनकारी पैटर्न है, यह पिक्सल यू डिज़ाइन की तरह है। कई तरह के भौगोलिक क्षेत्रों में यह यूनिफॉर्म छलावरण का भी काम करती है, यानी ये आपके छिपने में मदद करती है। पाँचवीं सबसे खास बात, आज की परेड की सबसे खास बात यह भी थी कि आज के परेड में 1965-1971 के जंग में जो टैंक पाकिस्तान को धूल चटाया था वो भी शामिल थी, और वो टैंक थी ब्रिटिश सेंचुरियन टैंक, पोलैंड का OT-62 टोपास टैंक, सोवियत का PT-76 टैंक, फ्रांस के AMX-13 टैंक, भारत के विजन टैंक और T-55 टैंक भी इस परेड में शामिल थे। दोस्तों, आज के परेड में मुझे 5 मुख्य बातें जो लगी वो मैंने बताया। अगर इसके अलावा आपको भी कुछ मुख्य बातें लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।